किसी का भी जमीन किसी से जबरदस्ती जो है किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा, स्वेच्छा से गिराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग तैयार हैं देने के लिए? नहीं। कोई तैयार है देने के लिए? कोई भी तैयार है? अब बताइए स्वेच्छा से कैसे लिया जा रहा है? चार गुना की बात आती है, 12,000 रुपए डिसमिल की सर्किल रेट लगाया जाता है कि चार गुना देंगे। भैया गोरखपुर में कहां मिल जाएगा 50,000 रुपए डिसमिल जमीन, बता दे कोई? नहीं सर, कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा सर, कहीं भी कहीं जमीन ताल में भी नहीं मिलेगी सर। अपना जमीन लिए थे, हमारे पास और कोई जमीन नहीं है, बनवाए थे रहने के लिए, हमारा घर गिरा दिया, हमारे बच्चे कहाँ पे रहेंगे सर? हम किराए के मकान पे रहते हैं। पति कितना पाते हैं? 300 रुपया। 300 रुपया पति पाते हैं। अब देखिए 300 रुपया मतलब महीना 9,000 से 10,000 रुपया पाते हैं, और इनके मकान मतलब इनके सपने को चकनाचूर कर दिया जाता है। गीडा के लोग आते हैं और सीधे चला। कि हम कहाँ जाए, हमारे फौज के नौकरी का किया ना, क्लेम लगा दिया ना, हम कहाँ जाए अपने बच्चे के लिए? हमारी जमीन चाहिए। ये महिलाओं का आंसू है, चाची कुछ कहेंगी? बाबू काया वाला के कमा के दो पैसा इनको फसम कर दिया, लमा लाइक खान जाइए सर, ये हम चाहते हैं मरलाई करके जमीन बन जाए और हम के कुछ चाहिए। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। ये लोग खड़े हुए हैं जमीन को बचाने के लिए, जमीन खरीदते हैं और उसके बाद गीडा के लोग कहते हैं भैया ये मेरी जमीन है, और मुख्यमंत्री साहब का साफ आदेश है कि प्रॉपर्टी डीलरों से कोई जमीन ना खरीदे। सर्किल रेट 12,000 लोगों ने बताया, गीडा प्रशासन कह रहा है 48,000 रुपया हम देंगे, मतलब चार गुना देंगे। और इन गीडा का गीडा ने साफ आदेश दिया है, इसमें साफ लिखा हुआ है किसी से जबरदस्ती किसी का मकान जबरदस्ती तोड़ा नहीं जाएगा और स्वेच्छा से लिया जाएगा। प्रिंस जी दिखाइए, स्वेच्छा से लिया जाएगा, लेकिन इनके मकानों को तोड़ दिया गया है, इनके सपनों को तोड़ दिया गया है। आप भी जानते हैं कि कोई मकान बनाता है कितनी गाड़ी कमाई लगाता है, और सबका देखिए रिटायर है, रिटायर कर्मचारी बीएसएफ के जवान हैं, सेना के जवान हैं, रिटायर हैं, उसके बाद अपना मकान बनवाते हैं और बाबा का बुलडोजर चलता है, गीडा के लोग आते हैं और मकान को तोड़ देते हैं, और इन्हीं का नहीं सबका मकान टूटा है। देखिए महिला रोने लगी, हम बात कर रहे हैं तब तक महिला रो। क्या नाम है आपका? आशा देवी। क्या हुआ था? हमारा घर, हमारा आदमी सर 400 रुपया रोजगार करते हैं, गारा माटी का काम करते हैं, हम कर्जा लेकर के अपना जमीन लिए थे, हमारे पास और कोई जमीन नहीं है, बनवाए थे रहने के लिए, हमारा घर गिरा दिया, हमारे बच्चे कहाँ पे रहेंगे सर? हम किराए के मकान पे रहते हैं। पति कितना पाते हैं? 300 रुपया। 300 रुपया पति पाते हैं। अब देखिए 300 रुपया मतलब महीना 9,000 से 10,000 रुपया पाते हैं, और इनके मकान मतलब इनके सपने को चकनाचूर कर दिया जाता है। गीडा के लोग आते हैं और सीधे बुलडोजर चलाते हैं। देखिए महिलाएं लगातार रो रही हैं, हम रुला नहीं रहे हैं, ये भावना है इनकी। और लोगों से बात, हम लोग सामान को रोड पे निकाल करके मकान तोड़ दिया गया, हम लोग 7 जून से ही रोड पे रह रहे हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी यह नहीं पूछ रहे हैं आपका घर तोड़ दिया गया, आप लोग कहाँ रहोगे क्या करोगे? मुख्यमंत्री जी आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी जमीन को बचाया जाए और हमारे मकानों का जो नुकसान किए गीडा के कर्मचारी उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग है। अन्यथा हमारी जमीन और मकान अगर नहीं बचता है तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अभी चाचा ने दिखाया, गीडा का आदेश को दिखाते हैं और उसमें साफ लिखा हुआ है किसी का भी जमीन किसी से जबरदस्ती जो है किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा, स्वेच्छा से गिराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग तैयार हैं देने के लिए? नहीं। कोई तैयार है देने के लिए? कोई भी तैयार है? अब बताइए स्वेच्छा से कैसे लिया जा रहा है? चार गुना की बात आती है, 12,000 रुपए डिसमिल की सर्किल रेट लगाया जाता है कि चार गुना देंगे। भैया गोरखपुर में कहां मिल जाएगा 50,000 रुपए डिसमिल जमीन, बता दे कोई? नहीं सर, कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा सर, कहीं भी कहीं जमीन ताल में भी नहीं मिलेगी सर, ताल में भी नहीं रहे सर। मैं फौज से आदमी, मैं रिटायरमेंट होके आया सर, यहीं पर पूरा पैसा मेरा लगा हुआ, अधिकारियों से हमने, अधिकारी ऐसे आकर के गिरा कर हमारा मकान चले गए सर, सारा सामान उठाकर फेंक दिए किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के। एसडीएम अनुपम मिश्रा जी से हमने नोटिस मांगा उनके ऑफिस चेंबर में जाकर, गीडा ऑफिस में, उन्होंने कहा आज मैं ध्वस्तीकरण करूंगा और कल नोटिस दूंगा आपको, उन्होंने स्पष्ट यह चीज कहा। नहीं बोले हम आज ध्वस्तीकरण, नोटिस आया था? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं आया, ये सिर्फ साफ और साफ बोल रही है। और देखिए पहले नोटिस आता है, तमाम चीजें होते हैं, प्रक्रिया होती है, लेकिन कहते हैं पहले गिराया जाएगा। लोग कारण पूछते हैं कि क्यों गिराया जाएगा, तो कह रहे हैं पहले गिरा दिया जाएगा उसके बाद नोटिस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, उन्होंने सीधा कहा, बल्कि और नहीं तो सब बोले कि आपको जिस, आप लोग पहले लिए थे तो इंक्वायरी किए थे? हमने बोला हाँ सर, मैंने किया था।
ये भी मैं बता दूं सर, गया था, उन्होंने बोला वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी वो लोग बोले कि कोई लिखित में है आपके पास, तो फिर मैंने अनुपम मिश्रा सर से कहा कि आप सर अभी लिखित में दे रहे हैं, मुझे दीजिए जो अभी आप बोल रहे हैं। चाचा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग रजिस्ट्री करती है और आवासीय होता है जी सर, और ये कहते हैं जब बैंक में हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन नहीं मिलेगा। देख लीजिए सर, बोलते हैं कि बैंक में अप्लाई करिए तो लोन नहीं मिलेगा, और रजिस्ट्री देखिए सर मेरी पूरी आपने उठा के, राजस्व विभाग रजिस्ट्री करती है आवासीय है सिर्फ, लगातार देखिए सब आवासीय है, दिखाइए प्रिंस जी इसको, आवासीय है, आवासीय है, और पेपर पे आवासीय ही रजिस्ट्री हुई है, और सबका दो डिजिटल तीन डिजिटल, सारे लोग जिंदगी की कमाई लगा के खरीदे हैं और ये लोग 48,000 रुपया देने के लिए कह रहे हैं और जबरदस्ती आके मकान हमारा तोड़ दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 12,000 रुपया दे देखो कहते हैं सर। हाँ 12,000 रुपया पर डिसमिल, उसका कहते हैं हम चरगुना दे रहे हैं, कहाँ चरगुना आपका हुआ, कहाँ सर 12,000 रुपये में जमीन मिलेगी गोरखपुर में, हम 50,000 रुपया दे रहे हैं, हमको 50,000 रुपये में जमीन दिलवा दे कहीं, हम वहाँ बस जाएंगे, हमको वहाँ बसा दे वो लोग। चाचा कह रहे हैं 50,000 रुपया दे दीजिए और हम बस जाएंगे, चाची क्या कह रही हैं? हम यह कहते हैं हमको जमीन चाहिए, हमके जमीन चाहिए, खाली हमन के जमीन चाहिए, हमन के कुछ ना चाहिए, खाली हमन के जमीन चाहिए, हमन के रह के चाहिए, हमन के और कुछ ना चाहिए, हम लेके बनवाओ ले वाली ले वाली जमीन, हमन के का कभी कुछ ना चाहिए, हमन अभी कर्ज ली थी, हम बहुत ज्यादा अभी हमारा 3 लाख रुपया कर्ज है सर, अभी हमारा 3 लाख रुपया कर्ज है, लोन लिया है, कोई ब्याज पे लिया है, कोई कर्ज लिया है, एक घर होता है, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गरीब जो लोग हैं उनका घर नहीं सपना होता है, किसी को घर मिल जाए तो उसका सपना पूरा हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी आप बताइए सपना है, और ये दिखाइए इसको, इस मामले को दिखाइए, इस पूरे कॉलोनी को दिखाइए, जमींदोज हो चुका है, एक कॉलोनी हुआ करता था, कुछ लोग मकान बनाए थे, कुछ लोग तैयारी कर रहे थे मकान बनाने को लेकर, कल प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सपना है मकान जो है गरीबों का, एक सपना है और एक सब जीवन भर की कमाई है, तो क्या कहेंगे अब? क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भावना है उसके विपरीत उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। माननीय जो प्रधानमंत्री जी का भावना है कि गरीब का घर हो, गरीब का मकान हो, गरीब का आवास हो, जो दे रहे हैं उसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध जो है वो गरीबों को उजाड़ रहे हैं, गरीबों को बसाना रहे, गरीबों को खाली उजाड़ रहे हैं, वो बोलते हैं हम गरीबों को बसा रहे, गरीबों को बसाना रहे, खाली गरीबों को उजाड़ रहे हैं, हाँ बड़े लोग रहे हैं तो अपना कहीं पे ले लेंगे, गरीब लोग कहाँ लेंगे, हम लोग कहाँ पे जाएंगे लेने, किस कमाई से लेंगे, किस तरह से हम लोग कर करके इकट्ठा करके किए हैं, किस कमाई से हम लोग लेंगे जमीन, क्या कर रही हैं चाची, क्या कहेंगे आप? जमीन आपका भी मकान बना था? हाँ हमारा मकान है, यही चाची आपका है, दिखाइए इसको, ये चाची का मकान है, तो आप उसी मौके पर थी, जमीन चाहिए कहाँ जाई, हमारा जमीन चाहिए कहाँ जाई, अभी आप कहाँ चाची के लेके हम कहाँ जाई, हमारे फौज के नौकरी का किया ना, क्लेम लगा दिया ना, हम कहाँ जाई अपने बच्चे के लिए, हमारी जमीन चाहिए। ये महिलाओं का आंसू है, चाची कुछ कहेंगी? बाबू का ये वाला लाइक को कमा के दो पैसा एम को फसम कर दिया, वाला लाइक कहाँ जाइए, ये हम चाहते हमारे लाइक के जमीन बन जाए और हमके कुछ चाहिए ना जाने। अच्छा जब आप लोग ले रहे थे जमीन प्रॉपर्टी डीलर से तो उन्होंने कुछ नहीं बताया? उन्होंने बताया था कि ये हमारी कॉलोनी है माँ विंध्यवासिनी डेवलपर्स के नाम से, और यह जमीन हम आप लोगों को लिख रहे हैं और ये आवासीय है और इस पे गीडा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और गीडा में भी हम लोगों ने गया था, मौखिक तौर पे बताया गया था कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी गीडा का कौन बताया था? गीडा के कुछ कर्मचारी थे, नाम नहीं पता सर, 4-5 साल पुरानी बात है, तो उन लोगों का गीडा के लोग कभी रोकने भी नहीं सर, कभी मकान बनने लगा, हम लोग बिजली का कनेक्शन करवाए कोई नहीं रोकने आया, हम लोग लोन के लिए जब बैंक पे जाते हैं बैंक वाले मना कर देते हैं, लेकिन ये लोग रजिस्ट्री करते समय क्यों नहीं मना करते? बिजली का कनेक्शन होता है तभी रोक नहीं लगती है, रजिस्ट्री होती है, मतलब 3 महीने में बन के तैयार हुआ था, 3 महीने तक कोई नहीं पूछने आया, हम लोग रहते थे कोई नहीं आता था सर, ये लोग अचानक से आए और हमारा घर गिरा के चले गए। आपका भी मकान है? हाँ सर हमारा भी मकान है हमारे भाई के साथ, और हम लोगों ने अपने पिछले 10 साल और अपने बाप दादा की कमाई जो भी हम लोग के पास थी उसको हम लोगों ने आज जमीन पे लगा दिया, और आज सरकार कहती है कि हम जमीन को गिरा देंगे, ये उमड़ते हुए सैलाब हैं जैसे आप लोगों ने देखे हैं, ये एक दिन सैलाब बन करके ऐसा ना हो कि इनकी नींवों को गिराने का काम कर दे, इससे पहले मैं मानिए तो आप लोग क्या चाहते हैं? जमीन चाहिए, हम लोग का जमीन चाहिए, जमीन हम लोग का जमीन चाहिए। मान लीजिए अब तो सरकार जो है मकान आप लोगों का गिरा दिया, जिसका जमीन है उसका अधिकार भी छीनने की कोशिश कर रही है, नहीं, वो कह रहे हैं 48,000 रुपया लेंगे, 4 गुना देंगे, तो आप लोग मानेंगे? नहीं, नहीं हम लोग नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे,
जमीन का बदला जमीन, हमें जमीन ही हमारा ही जमीन चाहिए। हम लोग जमीन नहीं देंगे, हम लोग जमीन नहीं देंगे। आपका गुंजा सिंह। अच्छा, आपका ही मकान था यहाँ पे? हाँ, ये मेरा जबरदस्ती उस दिन मेरा सामान सब लोग गिरा दिए थे, पूरा बाहर सामान निकाल दिए थे लोग, सामान हम निकाल लेते इसकी वजह से, फोटो वीडियो सब कुछ है। लेकिन अगर हम बच्चों को लेके, उतने बड़े बड़े बच्चों को लेके हम रोड पे नहीं रहेंगे ना, चार साल से वहाँ पर आ रहे, तब क्यों नहीं आए सब रोकने यहाँ पे? अगर हम बच्चों को लेके रोड पर जाएंगे नहीं रहने। अच्छा, जब मकान टूट रहा था यहाँ पे, जब बुलडोजर आया था तब रोकने की कोशिश की? तो बिल्कुल सर, रोकने का कोशिश किया गया, वो लोग फोर्स के साथ थे और जबरदस्ती कहे कि इतना केस लाद देंगे तुम लोगों के ऊपर कि सुधर जाओगे नहीं तो हट जाओ, जो तोड़ रहे हैं हमें तोड़ लेने दो। जी, अब आप बताइए आप लोग का अगला डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारी जमीन की, हमारी जमीन की जो है सुरक्षा निश्चित की जाए, और हमारी जमीन पे जो मकान बना हुआ था हम लोग फिर अपना टीना टप्पर डाल लेंगे, अगर इनका अनुदान नहीं है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। सब लोग, आप लोग कहाँ रह रहे हैं जिसके पास मकान है? देखिए, बाकी लोगों का जिनका मकान तोड़ दिया गया लोग किराए पर रह रहे हैं, और हमारा अभी थोड़ा सा बचा है क्योंकि हमारे पास सामान ज्यादा था और हमारे यहाँ गार्जियन कोई नहीं है, हम ही है, और हम पहले किराए मकान में रहते थे, जब तक कमाए यहाँ पर लेके बनवा के सर रहते हैं इस खाली एरिया में। हम लोग 10-12 लोग मतलब पूरे फैमिली के साथ रहते थे, सबका सामान निकलवा के लोग जबरदस्ती तोड़ दिए फोर्स के साथ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग गीडा जाते हैं और गीडा पता करते हैं तो लोग कहते हैं गीडा के अंतर्गत नहीं आता है, आवासीय रजिस्ट्री होती है, आवासीय रजिस्ट्री होती है तो उस समय भी नहीं बताया जाता है। बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि लोन नहीं मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्री विभाग आपको नहीं बताया? रजिस्ट्री विभाग कभी नहीं है बोला कि आवासीय नहीं होगा, और नहीं तो जो है हमको हमारी जमीन को जो है 1,10,000 रुपए पर सारा शुल्क लिया गया है आवासीय जमीन पर। वैसे आप देखें रियल एस्टेट में तो पैसा ज्यादा लग जाए, 2,50,000 रुपया 3,00,000 रुपया डिसमिल करके जमीन ली गई है, लेकिन जो है वहाँ पर जो रजिस्ट्री होती है तो उस पर 1,10,000 से और उसका जो है सारा फीस। जो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे सर हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि हमारी जमीन को, इसको हमारा सुरक्षित रखा जाए। मुख्यमंत्री से कोई मिलने की कोशिश की आप लोग? जी सर, मुख्यमंत्री साहब से मिलने का कोशिश किए लेकिन हम वहाँ पर जो है मिल नहीं पा रहे हैं सर। हाँ, कोई मिला नहीं पा रहा है, हम चाह रहे हैं कि मिले और जो उसका हमारा समय लौटाना पड़ रहा है हम लोगों को, गेट के आगे मतलब नहीं जा पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई वो नहीं है आपका, इसका महत्व गीडा से है तो नहीं जा पाएंगे, कोई और मैटर हो, पर्सनल मैटर हो तो आप जाइए। जमीन की सुरक्षा निश्चित की जाए, मुख्यमंत्री जी हमारे हमारी जमीन को गीडा से सुरक्षित किया जाए और होने लायक है, बाकी जमीने काफी पड़ी हुई है, आगे ऐसी भूमि पड़ी हुई है जहाँ पर जो है वो लोग जा करके अपना एक्वायर कर ले, बाहर किया जाए गीडा क्षेत्र से हमारी जमीन को बाहर किया जाए। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? मुख्य सर, इसमें दो कमरा बनवाए थे, किचन बनवाए थे, सब गेट वेट सब लगा था, ये नल भी यहाँ पे था, इसको भी सब उखाड़ उखाड़ के तोड़ उठा के चले गए, सब यहाँ से उठा ले गए सब सामान। अच्छा, सामान भी लेते गए नहीं, गाँव वाले।